टाइम्स के सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम खबरों का पंचनामा में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक फंगस के बारे में, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मशहूर डॉक्टर डॉक्टर डी के गुप्ता। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये ब्लैक फंगस है क्या? देखिए, ब्लैक फंगस एक फफूंदी जैसा फंगस है जिसको हम बोलते हैं म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं, अगर हम साइंटिफिक भाषा में बात करें। और नॉर्मली ये सॉयल में, मतलब मिट्टी में, सड़े गले पेड़ पौधे में, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो सड़ जाते हैं उनमें मिलता है, या घर में कभी आपने देखा होगा कि अगर आप ब्रेड या रोटी या किसी फ्रूट को काट के रख दो 2-3 दिन, तो उस पर काला काला फंगस जम जाता है, फफूंदी जिसको बोलते हैं, वो नॉर्मली म्यूकर माइकोसिस है, उसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्यों डेवलप हो रहा है और कैसे डेवलप हो रहा है? जी, नॉर्मली जो ब्लैक फंगस है, म्यूकर माइकोसिस होता है, वो हेल्दी ह्यूमन बींग को इन्फेक्ट नहीं करता, ना ही अफेक्ट करता है, क्योंकि हमारी जो अपनी जो इम्यूनिटी होती है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो काफ़ी स्ट्रांग होती है और ये इन्फेक्ट नहीं करता। बट ऐसे मरीज जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर है, खास करके जो हाईली डायबिटिक हैं, उनकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, जो स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं लॉन्ग टर्म, जो कैंसर पेशेंट हैं, डायलिसिस पेशेंट हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, जिसने टॉसिलीज़ुमैब ड्रग बहुत लंबा लिए, आईवी फ्लूड्स लंबा लिया है, आईवी एंटीबायोटिक्स लंबा लिए, खास करके हायर एंटीबायोटिक और मल्टीपल एंटीबायोटिक आजकल लोग दे रहे थे, डॉक्सी भी खा रहे हैं, डॉक्सी एजिथ्रोमाइसिन भी खा रहे हैं, रोमेंटिन भी खा रहे हैं, एंटीवायरल ड्रग भी ले रहे हैं, तो मल्टीपल एंटीबायोटिक जिसने लिए हैं, या किसी ने ऑक्सीजन थेरेपी लंबी ली है, खास करके जो लोग होम आइसोलेशन में थे या छोटे नर्सिंग होम थे जहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मिल रही थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इतनी शुद्ध नहीं होती है, 93% के आसपास होती है, और मेडिकल ऑक्सीजन 99.9% शुद्ध होती है। तो ऐसे लोग जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का सेवन कर रहे थे, जो सिलेंडर्स थे, कहीं ना कहीं मिट्टी विट्टी उनमें लग के घर के अंदर जा रही थी, मरीज के पास पहुंच रही थी, और इस मिट्टी के अंदर उन्होंने बताया कि फंगस होता है, और जो वो ह्यूमिडिफायर होता है, एक बोतल सी टंगी होती है सिलेंडर के साइड में, जहाँ से ऑक्सीजन अंदर से जाके बाहर निकलती है, फिर हमारे शरीर में प्रवेश करती है, वो जो ह्यूमिडिफायर में जो पानी होना चाहिए वो आइडली डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, उसको रेगुलरली हर 24 घंटे में चेंज करना चाहिए। जो मास्क लगाते हैं मरीज पे, वो भी स्टरलाइज होना चाहिए, न्यू मास्क होना चाहिए, उसको हर 24 घंटे में चेंज करना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो रहा था घरों में, कि बिकॉज उन लोगों को इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में नहीं पता था, या छोटे नर्सिंग होम्स में भी ऑक्सीजन सप्लाई सिलेंडर से डायरेक्ट मिल रही थी, तो वो लोग वहाँ सेंट्रल ऑक्सीजन नहीं होती है, तो ऐसे लोग हाई रिस्क थे, और इन लोगों को म्यूकर माइकोसिस डेवलप हो गई, बिकॉज इनकी जो इम्यूनिटी थी बहुत कम थी, और जो फंगस था, मैंने कहा कि जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, उनकी स्किन को या दूसरे अंगों को ब्रीच करके अंदर घुस जाता है और इन्फेक्शन फैला देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, किन लोगों को इसका खतरा, जैसे आपने बता दिया कि जिन लोगों ने घर पे इलाज करा रहे थे, ऑक्सीजन ले रहे थे, या छोटे नर्सिंग होम में कर रहे थे, उनको खतरा ज्यादा है, इसकी पहचान कैसे करें कि वो रिस्क पे हैं, कि उनको ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम हो सकती है, ये पहचान कैसे करें? अच्छा सवाल है। तो जो मरीज कोविड से रिकवर हुए, पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं, उनको बड़ा ध्यान रखना है, खास करके उन मरीजों को जिनको बताया मैंने, जिनकी एज ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक प्रॉब्लम है, डायलिसिस पे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, या जो जिनका स्टे हॉस्पिटल में लंबा रहा, जिनको आईसीयू में दिन तक भर्ती रहा, जिन्होंने ऑक्सीजन थेरेपी लंबी ली है, जिनको आईवी एंटीबायोटिक्स मल्टीपल लिए हैं, उन लोग, वो लोग हाई रिस्क पे हैं, उन लोगों को ज़्यादा सजग रहना चाहिए। अगर कोई आपको सिम्टम्स आते हैं, इनके सिम्टम्स कैसे होते हैं, कि नॉर्मली जो होता है ये राइनो सेरिब्रल, राइनो मतलब नाक, सेरिब्रल ब्रेन, इन दोनों को इन्फेक्ट करती है शुरुआती दौर में, और थ्रू साइनसेस और आंख, तो मतलब यहाँ से यहाँ के आसपास जाएगी, फिर ब्रेन के अंदर घुस जाएगा। तो जैसे ही सिम्टम्स होंगे, नाक के अंदर जाएगा, तो आपको नाक के अंदर से नाक ब्लॉक हो जाएगी, आपकी लगेगा नाक बंद हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, नेजल डिस्चार्ज आ रहा है, ब्लैक डिस्चार्ज आ रहा है, नेजल क्रस्टिंग हो रही है अंदर, कुछ पदार्थ ऐसा लग रहा है कुछ जम गया हो इस तरह, या आप नाक के आसपास स्वेलिंग हो जाना, या जो हमारे जो साइनस होते हैं इनके ऊपर स्वेलिंग हो जाना, यहाँ पे दर्द होना, यहाँ पे आँख में अगर जा रहा है तो आँख कभी कभी खुल नहीं पाएगी, या खुल जाएगी तो बंद नहीं हो पा रही होगी, डिप्लोपिया दिखेगा कम, या दो दो दिखने लगेंगे, तो इस तरह के सिम्टम, हेडेक हो सकता है, परसिस्टेंट सीवियर हेडेक, जो दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगर ब्रेन के अंदर जा रहा है तो सच में बहुत सीवियर और परसिस्टेंट हेडेक होता है, जो मेडिकेशन को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर मुंह के अंदर चला गया तो मुंह के अंदर ओरल जो एरिया है उसमें क्रस्ट जम जाएंगे, काले काले धब्बे, अचकते, अल्सर्स हो सकते हैं। अगर स्किन में जा रहा है तो स्किन में भी इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पे रैशेस हो सकते हैं, अल्सर हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है। इसके अतिरिक्त अगर ये शरीर के अन्य भागों को इन्फेक्ट करता है, जैसे लंग्स को कर सकता है, तो लंग्स को अगर जैसे ही इन्फेक्ट करेगा तो ऐसा होगा नॉर्मली कि पोस्ट कोविड पेशेंट को कभी कभी सडनली ठीक होने के बाद भी सडनली हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, बहुत तेज फीवर आ रहा है, या उसको सांस में तकलीफ हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, इट मीन्स उसको कोई नए सिम्टम्स हो सकते हैं जो म्यूकर माइकोसिस हो सकते हैं। अगर ये पेट में चला गया, सॉलो कर लिया हमने फूड पाइप थ्रू, हाथ में या पेट में चला गया, तो लूज मोशन मतलब दस्त करना, वॉमिटिंग करना, पेट दर्द करना, डिहाइड्रेशन होना, तो ये सारे सिम्टम्स
हो सकते हैं, ये सारे अर्ली साइंस हैं। अर्ली साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाले जो मैंने बताए थे, ऐसे अगर किसी पोस्ट कोविड पेशेंट्स को ऐसे सिम्टम्स आते हैं तुरंत उसको, इवन दांतों में भी लूजनिंग ऑफ टूथ, मतलब दांत हिलने लगते हैं, दांतों में दर्द होने लगता है, तो ऐसे लोगों को तुरंत ENT सर्जन को या आई सर्जन को या चेस्ट फिजिशियन को या डेंटिस्ट को तुरंत दिखाना चाहिए। और अपनी हिस्ट्री जरूर बतानी चाहिए कि मुझे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या साथ में कोई अन्य कोई गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से मेरी इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज्ड है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट इसको रिकॉग्नाइज कर ले कि ये ब्लैक फंगस का कोई मामला है, तो क्या ये क्यूरेबल है, क्या कंट्रोल करा जा सकता है? अर्ली स्टेज में क्यूरेबल है, डेफिनेटली क्यूरेबल है। इसके ड्रग्स अवेलेबल हैं, जैसे एम्फोटेरिसिन बी है, उफ्कोनाजोल है, इसाबुकोनाजोल है, ये तीन ड्रग हैं जो अवेलेबल है, लेकिन आजकल शॉर्टेज में तो है। और लॉन्ग टर्म थेरेपी चलती है, 3 से 4 हफ्ते, इवन और लंबा कभी कोई 3-3 महीने तक थेरेपी देनी पड़ती है। अगर ये थोड़ा इन्वेज करके मतलब हड्डियों में पहुंच गया, हमारा बोन इरोड कर सकता है, तो उस समय हो सकता है हमें नाक आंख निकालनी पड़ जाए, आंख इन्यूक्लिएशन बोलते हैं, या ब्रेन के अंदर चला गया तो ब्रेन सर्जरी करनी पड़ सकती है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी चाहिए होता है कभी कभी, जब अगर इन्वेज कर जाए, और अर्ली स्टेज पे हमें मेडिकल मैनेजमेंट से काम चल सकता है। लेकिन अगर ये इन्वेज कर गया तो मॉर्टलिटी रेट मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, 50% के आसपास है। तो कृपया करके बचाओ ज्यादा अच्छा है कि पोस्ट कोविड लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जो उनको डिस्चार्ज में डॉक्टर ने एडवाइस किया है, जो दवाइयां एडवाइस करें वो टाइम पे लेते रहें, स्टेरॉइड को वीन ऑफ ध्यान से करें, स्टेरॉइड जरूरत से ज्यादा ना लें, अगर डॉक्टर की सलाह के बिना स्टेरॉइड का सेवन ना करें, मल्टीपल एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें, शुगर का कंट्रोल अच्छे से रखें, अपने हाइजीन का बहुत ध्यान रखें। मैं फिर बता रहा हूँ, हाइजीन मतलब कि दिन में 2-3 बार गार्गल करना किसी माउथ वॉश से, एंटीसेप्टिक से या बीटाडीन गार्गल करना, या नेजल क्लीनिंग करना, आई क्लीन करना अपनी, इनका ध्यान रखें, नहाने धोने का ध्यान रखें, स्किन में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे और अर्ली सिम्टम डिटेक्ट कर लेंगे तो शायद हम इससे बचे रह सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बीमारी क्या फैलने वाली भी है क्या, जैसे कोरोना की तरह जैसे ये फैल रही थी, इस बीमारी में भी ऐसा खतरा है कोई? नहीं नहीं, ये कॉन्टेजियस नहीं है, तो अच्छी बात है। जिनके पेशेंट के लिए अलग अस्पताल नहीं चाहिए, जैसे कोविड अस्पताल हम चाहिए तो कोविड के लिए, तो किसी भी नॉर्मल हॉस्पिटल में जहाँ पे ENT की सुविधा है, आई की सुविधा है, डेंटल सुविधा है, चेस्ट फिजिशियन है, तो टीम ऑफ डॉक्टर्स अवेलेबल है, और साथ में एंटी फंगल ड्रग्स जो मैंने बताया एम्फोटेरिसिन बी, उफ्कोनाजोल और इसबुकोनाजोल अवेलेबल है, तो वहाँ पर पेशेंट्स का इलाज आसानी से हो सकता है और कोई भी कॉन्टेजियस बीमारी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ब्लैक फंगस, क्या हमने पहले इस टाइप की कोई चीज हो सकती है, ये क्या हम जब कोरोना का इलाज कर रहे थे क्या हमने प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे इसको कि ये भी हो सकता है? नहीं, प्रेडिक्ट क्या कर पाए थे, पहले जो लहर आई थी वेव आई थी उसमें नहीं था, तो कहीं ना कहीं जो हमने ऑक्सीजन का जो एक्सेसिव यूज हुआ, एक्सेसिव भी यूज हुआ और सही से नहीं हो, मतलब साफ सफाई से यूज नहीं हो, सिलेंडर्स कहाँ से आए, ऑक्सीजन कहाँ से आई, कौन सा सिलेंडर था, कैसा सिलेंडर था, उसकी क्वालिटी क्या थी, और जो ऑक्सीजन की क्वालिटी क्या थी, जो मास्क था वो कैसे लगाया हमने, मास्क को रीयूज करते रहे बार बार, उसको चेंज नहीं करा, इवन मास्क लगाते रहे, नॉर्मल मास्क को भी लोग रीयूज नहीं करते, ऐसा हाइजीनिक नहीं रखते। इसके अलावा जो ह्यूमिडिफायर था उसका पानी चेंज नहीं करा, उसका पता नहीं था हम लोगों को, स्टेरॉइड का ओवर यूज किया, एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज हुआ, पेशेंट इस बार सीरियस ज्यादा हुए, आपने देखा सबको ज्यादा लंग में निमोनिया हुआ, तो ICU में भर्ती ज्यादा रहे, हॉस्पिटल स्टे बढ़ गया, टॉसिलोमाब जैसी दवाइयां ज्यादा देनी पड़ी, तो ये सब मल्टीपल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इस बार इस लहर में ये बीमारी ज्यादा देखी गई है। ठीक, डॉक्टर साहब आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।